कांग्रेस वाले इतना टीका करके ये करे तो भी टीका से कभी नहीं जीतेगा आदमी। डेवलपमेंट डेवलपमेंट चाहिए, टीके से नहीं जीतेगा। कांग्रेस वालों को चेतावनी है, नरेंद्र मोदी जी, येडियुरप्पा जी, जो बम्बई जी जो काम कर रहे हैं, हमारे बीजी पाटिल साहब जो काम कर रहे हैं, जीत सबूत है। टीका से कभी नहीं जीतता आदमी, ये सोचे कांग्रेस वाले। हमारा काम जब भी हाथ लगाता है, पब्लिक हमारे साथ है, ये आज ये सबूत है। बोलो भारत माता की। साहब बहुत खुशी हो रही है, दूसरे दफा जीत कर आए हैं, हमारे लोगों को खुशी हो गया। हमारे अध्यक्ष है और सिटी के अध्यक्ष है, यहाँ के आए सौ कार्यकर्ता लोग है और बीजेपी के मुखंड है, बहुत सारे लोग आए हैं, सबको बहुत खुशी हो रहा है। सेकंड टाइम आने से नहीं, वो तो कांग्रेस का काम ही वही है ना साहब, वो जो अपप्रचार करने में ही उनको उनका थोड़ा फसल हो गया थोड़ा बहुत। इस बार की लीड कितनी रही सर? ये बार लीड 160 वोट से जीते हैं। सर गुलबर्ग के लिए क्या मैसेज रहेगा सर? नहीं, गुलबर्ग और यादगिरी के जो ग्राम पंचायती लोगों पर डेवलपमेंट के अंदर हम लोग रहेंगे कभी। हाँ, सबको साथ में लेकर चलते हैं और ग्राम पंचायत सदस्यों को जो भी उनके प्रॉब्लम है जो भी हुआ वो लोगों का भी काम करेंगे। नमस्ते। आज विधान परिषद चुनाव अंग में आज भारतीय जनता पार्टी से कैंडिडेट हमारे पिताजी सेकंड बार विन हुए से है, तो मैं हमारे पूरे पार्टी, हमारे बीजेपी अध्यक्ष, राज्य अध्यक्ष नरेंद्र कुमार कतिल जी को, हमारे नगर के अध्यक्ष, ग्रामीण के अध्यक्ष शिवराज पाटिल के नेतृत्व में, हमारे सिद्धा जी के नेतृत्व में, हमारे पूरे MLAs, पूरे डिफिटेड MLAs, हमारे MLCs, ex-MLCs, हमारे पूरे कार्यकर्ता, हमारे पूरा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का, ये जो आज की जीत है ये पूरा श्रेय हमारा पार्टी को जाता है। नहीं, हमारे को बहुत अच्छा फील हो रहा है। हम कांग्रेस को फिर से बाहर उनको बाहर फेंक दिए, उन बहुत एंट्री करे, बहुत हमारे को हराने को कोशिश करे है। ये लोकतंत्र है, कोई कुछ भी कर सकते हैं, बट वो लोग आउट ऑफ द वे जाके बहुत ही घटिया पॉलिटिक्स करे। सो हमारे पिताजी के बारे में उन काम नहीं करते, उन कंट्रीब्यूशन नहीं करते, उन फंड नहीं देते। इतना 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 कंट्रीब्यूशन करे हम लोग, हमारे भारतीय जनता पार्टी में हम काम करते हैं, हम कांग्रेस के जैसे नहीं है। साढ़े चार साल घर में सोना और 6 महीना काम करना हम करते गए। ये हमारा जो लीड कम हुआ सो ये कांग्रेस के अपप्रचार में हुआ सो 150 वोट्स, 833। तो आप रिजेक्ट हो गए सर, और आपको मालूम है पूरे कांग्रेस में नाम नहीं लेना चाहता हूँ, पूरे लोग आके, लास्ट टाइम हम भारतीय जनता पार्टी टिकट से जीतने के बाद बहुत लोग घर गए। इस बार वो लोग वही को उनका प्लान था, इस बार इनको हराएंगे तो हम लोग तो घर नहीं जाएंगे, बट फिर भी आज जीते लोग उनके वो लोग घर जाने का 100% श्योर है। और गुलबर्गा यादगिरी में नेक्स्ट टाइम हमारे ही MLA जीत के आएंगे, हमारे ही MP लोग जीत के आएंगे, कांग्रेस मुक्त होगा, मेरे को भरोसा है। मेरे करें इसके बाद करेंगे, अब ये करें वो भी करेंगे। अब आज के दिन बीजी पाटिल साहब का विजय हो गया है MLC इलेक्शन में। ये पूरा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और पूरे लीडर लोगों का विजय है। हम लोग बहुत सभी लोगों को अभिनंदन बोलता हूँ ये अपना जीत को। कांग्रेस वाले इतना
टीका करके ये करे तो भी टीका से कभी नहीं जीतेगा आदमी। डेवलपमेंट डेवलपमेंट चाहिए, टीके से नहीं जीतेगा। कांग्रेस वालों को चेतावनी है, नरेंद्र मोदी जी, येडियुरप्पा जी, जो बम्बई जी जो काम कर रहे हैं, हमारे बीजी पाटिल साहब जो काम कर रहे हैं, जीत सबूत है। टीका से कभी नहीं जीता आदमी, ये सोचे कांग्रेस वाले। हमारा काम जब भी हाथ लगाता है, पब्लिक हमारे साथ है, ये आज ये सबूत है। बोलो भारत माता की। भारतीय जनता पक्ष के जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी भारतीय जनता पक्ष के बोलो भारत माता की, भारतीय जनता पक्ष के, बीजेपी पाटिल।